हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए आरएचसीएस सीरीज का पार्ट 48, जिसमें हम यहां पर बात करने वाले हैं बैच शेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल्स की, यानी कि किस तरीके से आप शेल स्क्रिप्टिंग में वेरिएबल्स का यूज कर सकते हो, क्या होता है वेरिएबल्स, वो सारी बातें हम आज का सेशन में क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे के सारे आईटी फ्रेंड के साथ। और स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं वेरिएबल्स के बारे में। तो आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं मैं, वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। कैरेक्टर स्ट्रिंग होते हैं जिसमें हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने मैथ में फॉर्मूलास पढ़े हैं, एक्स इजिकल टू 10 या वाई इजिकल टू 5, और उसके बाद आप सॉल्व करते थे कि आपको एक्स प्लस वाई करना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर वेरिएबल्स के साथ में आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हो, कोई भी कमांड सेट कर सकते हो और उसे आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। द वैल्यू असाइन कुड बी अ नंबर, आपकी जो वैल्यू है वो नंबर हो सकती है, आप टेक्स्ट असाइन कर सकते हो, कोई फाइल नेम हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, आपकी कोई कमांड भी हो सकती है। वेरिएबल्स को अगर एक्चुअल में बोलें तो ये कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ क्या है, आपके एक एक्चुअल डेटा को पॉइंटर करने वाला पॉइंटर है। यानी कि आप एक वैल्यू दे रहे हो अपने किसी एक्चुअल डेटा के लिए और आप पॉइंट कर रहे हो कि इसका मतलब ये है। द शेल इनेबल्स यू टू क्रिएट, असाइन एंड डिलीट वेरिएबल्स, आप शेल पर अपने वेरिएबल्स को क्रिएट भी कर सकते हो, असाइन भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। वेरिएबल नेम की अगर हम बात करें तो वेरिएबल का नाम जब भी आप दोगे तो वो आपका स्मॉल ए टू जेड हो सकता है, कैपिटल ए टू जेड हो सकता है, या फिर नंबर्स में भी आपका हो सकता है, साथ में आप अंडरस्कोर साइन का भी यूज कर सकते हो। एक सिंपल और बताऊं यहाँ पर, तो आपको बाय कन्वेंशन यूनिक शेल वेरिएबल्स विल हैव देयर नेम इन अपर केस। जो बाय डिफॉल्ट जितने भी यूनिक शेल पर आपके डिफॉल्ट वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे अपर केस में होते हैं, जो हमने लास्ट सेशन में देखे भी थे। बाकी मैं अभी आपको शो कराऊंगा किस तरीके से होते हैं। और जब भी आप किसी जो प्री डिफाइंड आपके पास वेरिएबल्स हैं उसे आप एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस करने के लिए आपको डॉलर साइन का यूज करना पड़ता है एंड देन देना पड़ता है आपको वेरिएबल का नेम। तो चलिए टर्मिनल पे चल के आपको दिखा देता हूं किस तरीके से वेरिएबल आपको दिखते हैं या किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो। तो हम आ चुके हैं यहाँ टर्मिनल पे और आपको दिखाता हूं मैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो आपको किस तरीके के दिखते हैं। जैसे अगर सपोज यहाँ पर मैं आपको कुछ जो प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं वो आपको दिखाऊं तो किस तरीके दिखा सकते हैं। इसे हम रीड करने के लिए यहाँ पर इको का यूज करेंगे। इको आपका क्या करता है कि जो भी अगर आपके पास वेरिएबल्स हैं उसे आपको एग्जीक्यूट भी कर देता है, या फिर अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हो। इको के बाद जब भी आप वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो वहां पर आपको डॉलर साइन का यूज करना है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था। डॉलर के बाद में आप कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ यूजर वेरिएबल, मैं अपना यूजर चेक करना चाहता हूँ, तो यूजर मुझे बताएगा कि मेरा इस समय जो यूजर है वो रूट है, यानी कि ये पहले से क्या प्री डिफाइंड है। या फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पर यूजर की जगह पर सपोज मैं यहाँ पर चाहता हूँ शेल, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी है वो सारे के सारे क्या यहाँ पर कैपिटल में होते हैं, तो आपको जो भी आप वेरिएबल दोगे वो कैपिटल में दोगे, एंटर कर दो तो मेरा जो शेल है वो क्या है, बिन एंड बैश है। तो ये सारे के सारे जो आप चला रहे हो शेल यूजर, ये क्या प्री डिफाइंड है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पर वेरिएबल्स जो है प्री डिफाइंड हो रखे हैं तो आप इसके लिए यहाँ पर एक कमांड का यूज कर सकते हैं जो कि ENV। ENV मीन्स क्या, इन्वायरमेंटल आपके जो वेरिएबल्स हैं उन्हें चेक करने के लिए होता है। तो आपके जितने भी शेल पर डिफाइंड है वो सारे क्या यहाँ पर कहलाते हैं, आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो मैं यहाँ पर ENV के बाद में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ तो आपको सारे के सारे डिफॉल्ट वेरिएबल्स दिख जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं। जैसे आप थोड़ा सा ऊपर चलते हैं जहां से हमने कमांड को स्टार्ट किया था, तो हमने कमांड को स्टार्ट किया था कहाँ से स्टार्ट किया था, जस्ट अ मिनट, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाओ आप, और आपको यहाँ पर दिखा था ये हमने कमांड यहाँ पे चलाई थी। ठीक है, तो देखो हमने शेल जब चलाया था तो शेल पे आपको क्या एग्जीक्यूट होता है, आप शेल चलाओगे तो शेल का मतलब यहाँ क्या है, विन बैश, राइट। इसी तरीके से और भी बहुत सारे सेशन मैनेजर चलाओगे तो आपको ये दिखेगा, कैलेंडर चलाओगे तो ये दिखेगा, होस्ट नेम चलाते हो तो आपको क्लाइंट दिखेगा, या फिर PWD चलाते हो तो आपको रूट दिखेगा, या फिर और भी यहाँ पर बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, ये सारे चलाओ, LS कलर चलाओगे तो ये सारे कलर के टाइप्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, आप यूजर चलाओगे तो रूट दिखेगा जो कि अभी हमने चलाया अभी था। तो ये सारे आपके प्री डिफाइंड है जो कि पहले से अवेलेबल है आपके सिस्टम में, इनमें से कोई भी आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो सिंपली। जैसे अगर सपोज आपको यहाँ पर यूजर हम चेक कर चुके हैं, अगर आपको शेल का लेबल चेक करना है तो आप शेल का लेबल भी चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ये शेल का लेबल है यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूं और मैं शेल का लेवल रन कराता हूं, तो मैं क्या करूंगा यहां पर इको करूंगा और देन डॉलर करने के बाद और मैं पेस्ट करा देता हूं अपना ये एनवायरमेंट वाले, तो मेरा शेल का लेवल क्या अभी 1 है। तो इस तरीके से आप सिंपली चेक कर सकते हो यहां पर अपने वेरिएबल्स को। अब बात आती है कि अगर आप किसी वेरिएबल्स को यहाँ पर ऐड कराना चाहते हो, रन कराना चाहते हो, तो वो किस तरीके से कर सकते हो।
तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सा आपको बताता हूँ। जैसे सपोज अगर आप तो यहाँ पर चाहते हो कि आपको कोई वेरिएबल सेट करना है, जैसे अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 10 कर देता हूँ एंड एंटर कर देता हूँ, और वाई इज इक्वल टू 5 कर देता हूँ एंटर कर देता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर देखो वेरिएबल सेट कर दिए। अगर मैं यहाँ पर इको के साथ में डॉलर का यूज करता हूँ और एक्स करता हूँ एंटर करता हूं, तो देखो मेरे एक्स की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पर क्या 10 दिखा रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक क्या कर दिया है कि यहाँ पर अपना जो वेरिएबल है वो सेट कर दिया है, लेकिन ये वेरिएबल क्या है, अभी टेम्पररी है। अगर आप वेरिएबल को सेट करना चाहते हो तो वही यह वेरिएबल आपको किसी स्क्रिप्ट के अंदर रखना पड़ेगा जो कि हर बार आपके पास वहां पर अवेलेबल हो। अभी अगर मैं टर्मिनल क्लोज करूंगा तो ये मेरे वेरिएबल्स यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर कोई सपोज वैल्यू सेट करना चाहता हूँ, कोई कीवर्ड को सेट करना चाहता हूँ या फिर कोई कमांड को सेट करना चाहता हूँ, पहले कीवर्ड बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सपोज चाहता हूँ कि मेरे स्ट्रिंग का मतलब जो है वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो कि स्ट्रिंग का मतलब मुझे चाहिए सपोज हेलो, एंड इसे आप यहाँ पर क्लोज कर दो। ये चीजें आपको यहाँ पर खास कर ध्यान रखनी है, हेलो ओके एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। जब भी आपको कोई वैल्यू एज इट इज चाहिए, यानी कि जब भी कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करा है तो वहां पर हेलो की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, मीन्स हेलो प्रिंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है वो आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज करोगे, मतलब डबल कॉमा का यूज करोगे, एंटर कर देते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पर इको करता हूँ एंड देन डॉलर का यूज करता हूँ और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ हेलो एंड देन एंटर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर ओ सॉरी हेलो नहीं, मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहिए था, हेलो तो मेरी वैल्यू आनी चाहिए, आप यहाँ पर स्ट्रिंग करो एंड देन एंटर करो, तो स्ट्रिंग का मतलब क्या है यहाँ पर हेलो। इसी तरीके से अगर आप कोई कमांड प्रिंट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर एक कमांड दिखता हूँ चेक करके, इफ कॉन्फिग, आपको इस कमांड से आईपी दिखता है, तो आप चाहते हो कि इफ कॉन्फिग की जगह आप कुछ और वहां पर वैल्यू सेट करो, तो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में हमेशा वेरिएबल को सेट करो। तो कैपिटल लेटर मैंने यहाँ पर आईपी ले लिया, इसके बाद आप यहाँ पर इज इक्वल टू लगाओ, और इसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊ आप ये सिंगल कोट। तो सिंगल कोट ये देखो आपके कीबोर्ड में दो दे रखे होते हैं, आप डिफरेंस समझो ये चीज, एक तो सिंगल कोट मैंने ये यूज किया, एक सिंगल कोट ये रहता है, तो आपको ये वाला यूज करना है जो कि आपके कीबोर्ड में वन डिजिट से पहले रहता है, जो वन लेटर रहता है उससे पहले या फिर टैब बटन से ऊपर रहता है वो आपको यूज करना है। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी कमांड को टाइप कर दो, इफ कॉन्फिग, तो ये हमें आगे भी यूज होने वाला है, जब भी आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करानी है किसी वेरिएबल से तो हमेशा आप ये सिंगल कोट का यूज करोगे जो कि वन डिजिट के बराबर में रहता है, और इसे क्लोज कर दो, प्रेस कर दो यहाँ पर एंटर, एंड देन अगर मैं यहाँ पर इको करता हूँ एंड डॉलर का यूज करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ आईपी एंटर करता हूँ, तो देखो मुझे यहाँ पर आईपी जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो गया, मेरा ENS 130, मेरा आईपी एड्रेस यहाँ पर मुझे प्रिंट होके दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल से कोई कमांड को भी सेट कर सकते हो, ये कमांड हमने किया, या फिर कोई भी कमांड आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर सपोज कमांड दिखाऊँ आपको, एल एस स्पेस हाइफन एल किया मैंने, तो मुझे ये सारा प्रिंट दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसे किसी कमांड में यहाँ पर प्रिंट करा दूँ, तो कोई भी आप कमांड ले सकते हो। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाता हूँ, एल एस आउटपुट, मैं यहाँ पर एल एस आउटपुट करता हूँ, इजिकल टू कर देता हूँ यहाँ पर, और इजिकल टू के बाद में यहाँ पर कमांड सेट कर देता हूँ, तो कमांड क्या थी मेरी, एल एस स्पेस हाइफन एल एंड देन एंटर कर देता हूं मैं। अगर मैं यहाँ पर इको करता हूँ और डॉलर का यूज करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ एल एस आउटपुट एंटर, तो देखोगे आप मुझे यहाँ पर रिजल्ट मिल गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे जो है ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे इस कमांड की एक्सिक्यूट हो गई। तो आप इस तरीके से कोई वेरिएबल को यहाँ पर सेट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी कमांड को आप वेरिएबल के साथ में क्लब करके आप उसे रन कराते हो तो वहां पर आपके सारे स्पेस और एंटर जो है वो सारे के सारे हट जाते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर सारे के सारे एक ही लाइंस में आपको दिख रहा है, यहाँ पर एंटर का यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही कि जो कि अलग अलग हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक और कमांड आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ पर सेट यूज करो कमांड। सेट कमांड से आपको क्या होगा, यहाँ पर आपके जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जो कि शेल पर डिफाइंड है, शेल वेरिएबल्स हैं या फिर जो यूजर डिफाइंड है, जो कि आप यूजर ने डिफाइन किए या फिर मैंने अभी डिफाइन किए हुए, तो वो सारे के सारे आपको इस कमांड में दिख जाएंगे। बट यहाँ पर आपको इशू क्या है, यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स आपको दिखने वाले हैं जिसमें फाइंड करना आपके लिए एक पेनफुल हो सकता है, तो आप यहाँ पर एक काम ये कर सकते हो, आप यहाँ पर अपने वेरिएबल को आप सेट कमांड चलाओ और ग्रैप के साथ में सर्च करो। तो यहाँ पर सेट कमांड चला के मैं यहाँ पर ग्रैप करता हूँ एंड ग्रैप के बाद मैं यहाँ पर आईपी सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे, देखो यहाँ पर आईपी आपको दिख रहा है, आईपी का मतलब क्या है, जब भी कोई कमांड आईपी चलाएगा तो उसे ये सारी वैल्यू वहां पर दिखनी चाहिए, राइट। तो क्योंकि मैंने ये वहां पर सेट किया हुआ था,
या फिर आप यहाँ पर देखोगे ls आउटपुट हमने सेट किया था, ls आउटपुट। आप ls आउटपुट देखोगे तो उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये सारी वैल्यू है। तो ये सारी चीजें जो है अभी यहाँ पर डिफाइंड हो रखी हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो सेट कमांड के साथ में भी अपने सारे के सारे वेरिएबल्स को। इसी के साथ में अगर मैं यहाँ पर आपको env दिखाता हूँ, तो आप env में देखोगे यहाँ पर ये वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। env कमांड से आपको सिर्फ शेल डिफाइंड मिलते हैं, सारे के सारे नहीं मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज और दिखाता हूँ आपको। इसके बाद मैं यहाँ पर सपोज आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे शेल वेरिएबल को यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो आप अगर कोई भी कमांड शेल वेरिएबल पर सेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको कमांड रन करानी पड़ेगी एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कमांड के साथ में आप अब जो भी आप वेरिएबल सेट करना चाहते हो वो वेरिएबल आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे मैं सपोज यहाँ पर चाहता हूँ ls आउट को मैं सेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पर इजिकल टू कर देता हूँ मैं। इजिकल टू के बाद में मैं यहाँ पर सिंगल कोट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ सपोज मैं ls एंड स्पेस हाइफन al। मैं यहाँ पर हिडन फाइल्स को भी शो करा रहा हूँ और मैंने यहाँ पर इसे क्लोज कर दिया। इतना करने के बाद मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ मैं, तो अभी मेरा जो ये वेरिएबल है वो मेरा शेल पर भी डिफाइंड हो चुका है। और डिफाइंड होने के बाद में अब मैं अगर यहाँ पर अभी रन कराता हूँ इको एंड डॉलर के साथ में ls आउट और एंटर करता हूँ, तो देखोगे आप यहाँ हिडन फाइल्स भी सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हम env कमांड से पहले चेक करते हैं env और एंटर कर देते हैं यहाँ पर। तो env कमांड में आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर एक ls out का जो है वो हमारे शेल पर भी डिफाइंड हो चुका है, जो कि मैंने env आपको किसके लिए बताया था कि आपको जब भी शेल वेरिएबल्स देखने हैं, तो यहाँ पर शेल वेरिएबल भी यहाँ पर सेट हो चुके हैं ls out के साथ में, राइट। तो इस तरीके से आप कोई भी जो आपका वेरिएबल है वो आप शेल पर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप अगर यहाँ पर अगला और क्या कर सकते, ये छोटी सी स्क्रिप्ट बनाते हैं यहाँ पर जिसमें हम इन वेरिएबल्स का यूज करेंगे, यानी किस तरीके से आप शेल स्क्रिप्ट में इन वेरिएबल्स का यूज करते हो वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सीडी डेस्कटॉप कर लेता हूँ, जहां पर मैंने अपनी स्क्रिप्ट लास्ट वीक सेव की थी। ठीक है, यहाँ पर और मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है यहाँ पर variables.sh। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये स्क्रिप्ट सेट करूंगा, एंटर करते हैं। हम स्क्रिप्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर करेंगे हैश, और हैश के बाद में यहाँ पर हम बैंक साइन का यूज करेंगे। तो वेयर इज बैंक साइन, ओके ओके, जस्ट आई तो पहले प्रेस करो, ओके, जस्ट प्रेस आई एंड देन जस्ट हैश एंड सी बैंक साइन, ओके। तो ये हमारी जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सी बैंक वैल्यू है। अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर चाहिए तो लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था शेल स्क्रिप्टिंग का, उसमें ये सब कुछ डिफाइन किया है, एक एक वर्ड का मतलब क्या है वो सब कुछ। तो यहाँ पर मैं अपना शेल डिफाइन कर देता हूँ वेन एंड देन आपका बैश, ओके एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर कमांड कमेंट आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। कमेंट का भी देखो कॉन्सेप्ट यहीं पे बात कर लेते हैं, कमेंट का यूज किसके लिए, आपको जब भी अपनी जो भी आप स्क्रिप्ट बना रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन बताना है, आपको उसके बारे में बताना है, तो आप यहाँ बता सकते हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं दिस स्क्रिप्ट इज रिलेटेड टू वेरिएबल्स, राइट। ये मैंने यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, और अभी यहाँ पर हम अपनी जो स्क्रिप्ट है उसे क्रिएट करेंगे वेरिएबल्स का यूज करके। तो किस तरीके से वेरिएबल्स का यहाँ पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर एक मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो मैं हैश यूज करके एक और कमेंट लिख देता हूँ जिसमें हम लिख देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इसमें। तो प्रिंट दी इंफॉर्मेशन ऑफ शेल, राइट। तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन पे आपके शेल की इंफॉर्मेशन यहाँ पर शो कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ माई होस्ट, और माई होस्ट के बाद में मैं यहाँ पर इजिकल टू कर देता हूँ, और इजिकल टू के बाद में मैं यहाँ पर सबसे पहले यूज करता हूँ सिंगल कोट एंड देन कमांड यूज कर लेता हूँ। तो कमांड होती है इसके लिए होस्ट नेम एंड स्पेस हाइफन एस एंड क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये एक मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया, एंटर करके अब इस वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराओगे आप, तो इको करो आप यहाँ पर, और इको करने के बाद आप यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर जो आपको करना है इन चीजों का आपको ध्यान देना है। इको के बाद आपको यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा डबल यूज करना है, और यहाँ पर आप अपना जो भी कीवर्ड लिखना चाहते हो वो कीवर्ड लिख सकते हो। जैसे मेरा यहाँ पर कीवर्ड क्या है, मैं सपोज चाहता हूँ कि माई होस्ट नेम इज,
माई होस्ट नेम इज, एंड देन आप अपनी वैल्यू बता दो। तो मेरी वैल्यू है यहाँ पर डॉलर के साथ में, आपने जो ऊपर अपना एक वेरिएबल सेट किया है वो आप बता दो। तो माई होस्ट वेरिएबल हमेशा आपको कैपिटल लेटर में देना। इसके बाद में आपको यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये मैंने यहाँ पर देखो इस स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, एक सिंपली इस तरीके से हमें काफी यूजफुल होगा आगे। आपने यहाँ पर माई होस्ट नाम से एक वेरिएबल सेट किया जिसमें हमने एक कमांड को सेट किया होस्ट नेम हाइफन एस, जिससे मुझे होस्ट नेम शो होगा। अब मैंने यहाँ पर इको में लिखा है कि मुझे किस तरीके से इसका रिजल्ट शो होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर माई होस्ट नेम इसके बाद में यहाँ पर इसका जो भी रिजल्ट आएगा इस कमांड का वो यहाँ पर शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वेरिएबल को रन करा दिया, एग्जीक्यूट करवा दिया। अब मैं जो भी मेरी यहाँ पर स्क्रिप्ट है मैं इसे सेव करा देता हूँ सिंपली। तो यहाँ पर कॉलन डब्ल्यू क्यू, ओके, जैसे स्मॉल में करना है कॉलन डब्ल्यू क्यू और ओके, जस्ट अ मिनट, कॉलन डब्ल्यू क्यू एंटर। एंटर करने के बाद आप बाकी तरीके मैंने आपको लास्ट में बताए थे कैसे कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ बैश एंड वेरिएबल्स डॉट एस एच। देखोगे आप जैसे ही मैंने यहाँ पर किया तो मुझे यहाँ पर मेरा माई होस्ट नेम इज क्लाइंट, तो मेरा होस्ट नेम क्या है यहाँ पर क्लाइंट है, जो कि मुझे यहाँ पर शो हो गया मेरी जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है वैसे ही, राइट। तो इस तरीके से ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी कि हाँ आप किस तरीके से यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कोई भी यहाँ पर जो है आप स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो सिंपली वेरिएबल्स का यूज करके। आगे हम और भी स्क्रिप्ट बनाएंगे जहां पर हम वेरिएबल्स का यूज करेंगे और भी बहुत सारे टूल्स का यूज करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को हम इतना रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मैं बड़ा नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप बड़ी वीडियोस को मोस्टली देखना आप प्रेफर नहीं करते हो। इस वीडियो को यहां तक रखते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने आईटी फ्रेंड के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।